भाई कैसी रही फटफटिया राइड? हाँ बहुत अच्छी जी, थैंक यू वेरी मच। माँ जी वैसे आपने बिल्कुल सही मौके पर रुद्र को ये बाइक गिफ्ट किया। सही मायनों में रुद्र को इस बाइक की बहुत जरूरत थी। अब उसे रोज बसों के थक्के नहीं खाने पड़ेंगे। माफी चाहता हूँ, मुझे बाइक ले जानी पड़ेगी। एक मिनट। वापस लेके जाना है मतलब क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करूं, कंपनी के रूल ही कुछ ऐसे। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि मैं हवेली में नहीं रहती, एक आम इंसान की तरह मोहल्ले में रहती हूँ। भाई साहब ये लीजिए, ये समझ लीजिएगा कि हम आपकी बाइक के साथ टेस्ट राइडिंग के लिए गए थे। थैंक यू सो मच, आपकी बाइक बहुत अच्छी है। सॉरी। एक मिनट रुकिए। देखिए, अगर हम आपके बाकी के सारे पैसे चुका दें तब तो आप हमें ये बाइक रखने दे सकते हैं। पर पैसे हैं अभी आपके पास? अरे मेरी बात तो सुन यार। रुद्र, बात समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ एक बाइक नहीं है रुद्र, इस बाइक से तुम्हारे लिए कितने लोगों का प्यार जुड़ा हुआ है। और वैसे भी तुम बाइक पर कितने अच्छे लगते हो मुझे कुछ नहीं पता। देखो मैं इस बाइक को कहीं नहीं जाने दूं, हम कुछ ना कुछ करके ना इंतजाम कर लेंगे। लेकिन गौरी, देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 2 दिन का वक्त दे सकता हूँ। 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगा पैसे लेने, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मजबूरन मुझे बाइक ले जानी पड़ेगी। नहीं नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, हम बाकी रकम का इंतजाम जल्द से जल्द कर देंगे। आप बस चाबी दे दीजिए। थैंक यू। मुझे बताएगी तू कल शाम तक पैसे कहाँ से लाएगी, कैसे लाएगी? यहाँ राशन के डिब्बे भरने के लिए पैसे नहीं, वो तूने कह दिया कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे बता। मेरी बात समझने की कोशिश करो रुद्र, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे। अरे तो बदली छा गई लगता है, फिर से बारिश होगी। चलो चलो अपने घर चलो, भीग जाएंगे सब लोग। चलो भाई चलो। अब पानी डाल इसमें। अरे अरे, मटका भर के पानी डालेगा क्या? अरे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, बांधते हैं, फिर देख के डालते हैं। चल मैं देखती हूँ। माजी ठीक से मल भी तो। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। बेटा दीप, तू ही सिखाई थी, मैं देखती हूँ। क्या कर रहे हो तुम रुद्र, क्या बना रहे हो ये? क्या हुआ? हाँ अरे बेटा तुम क्यों आए? अब मेरा मतलब है, अगर मेरी बहू देख लेती तो सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाता ना।
आई एम सो सॉरी माजी, क्या आपने जो हनीमून पैकेज की जगह हिलटॉप कॉटेज बुक कराया ना, उसकी डिटेल्स देकर आया हूँ। क्या कि कल शाम को जाना था तो मुझे लगा आज आपका घर भी रास्ते में, देते हुए चले जाऊँगा ये। अच्छा अच्छा हाँ, पर बेटा उन्हें ये पैकेज पसंद आएगा ना? आप फिक्र मत कीजिए माजी, हमारी कंपनी की पूरी कोशिश रहती है कि क्लाइंट की हर खुशी का ख्याल रखें। डोंट वरी, दे विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा थैंक यू बेटा। भैया चलना है या नहीं? मुझे घर जाना है, मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। शुदा लड़की पीछे दीवान है, माँ तू कर कर ये बताएगी? अरे वही कर रही हूँ जो बहुत पहले करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब भी कोई देर नहीं हुई। आओ आओ आ जाओ। माजी, ये कॉटेज हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये कॉटेज नहीं है, हनीमून कॉटेज है। हनीमून कॉटेज? माजी, आज रात तुम दोनों यहीं रहोगे। माँ मेरी बात बस बस, बाकी की बातें अपनी पत्नी को सुनाना। और हाँ गौरी, हमारे जाने की बात भी आप दोनों ऐसे ही शर्माते मत रहना। अरे भाई वैलेंटाइन्स डे का लुत्फ उठाओ, एक दिन बाद ही सही। दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना, समझे? देवर जी, एक बात कहनी थी आपसे। प्यार और विश्वास की नींव पर ही शादी का रिश्ता टिकता है, और इन दोनों में से किसी एक चीज में भी कमी आ जाए ना तो ये पवित्र बंधन डगमगाने लगता है।
गौरी को उसकी असली जगह देने में और देर मत कीजिए देवर जी। आज तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ सुनोगी जो मैं कहूंगा। दादू, गौरी बेटा दरवाजा खोलो। अरे दादू, आओ खुओ। हाँ, जीते रहो, खुश रहो। सवाल जवाब बाद में। बिना म्यूजिक हनीमून? नो, इसमें है इंडिया के वर्ल्ड क्लास रोमांटिक गाने, आरके से आरके तक, राज कपूर से रणवीर कपूर तक। माहौल बनाओ, एटमॉस्फेयर ऐश करो। ससुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए ना। अरे अरे, एक मिनट। अरे देखो, देखो कितना अच्छा माहौल है। कैंडल लाइट चल रही है, कैंडल लाइट डिनर करेंगे। क्यों सुरजी, आइए ना। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ, ये लो बेटा, ये रिमोट कंट्रोल म्यूजिक का, ये लो। म्यूजिक कंट्रोल करना, म्यूजिक अपने आप को नहीं। दादाजी आप चलिए, ये दोनों मैनेज कर लेंगे। मेरी बात। अरे एक मिनट, अरे सॉरी तो बोल दूं, मैंने डिस्टर्ब किया है? सॉरी बेटा, सॉरी। और मैं कहना चाहता था कि वो ओके दादू, ओके। अच्छा सॉरी बेटा, डिस्टर्ब किया बेटा। ओके दादू, एंजॉय। सॉरी सॉरी, मैं तो चाहता था कि माहौल बने। अब सॉरी तो बोल दिया मैंने, मैं एक बार फिर से सॉरी बोल देता हूं। मैं एक बार फिर से सॉरी बोल देता हूं। साथी रे दिल
बेटा जी दरवाजा भी बंद करना पड़ता है। अब जब मैं अंदर आ ही गया हूं तो इस सिंपल बिस्तर को मैं थोड़ा सजा देता हूँ। ये ससुर जी, आप फिर आ गए। राजरानी, मैं तो इसको ये समझाने आया था कि हनीमून के मामले में बिस्तर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेटा, तेरी दादी थी ना? दादा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, न खाने की, न पीने की, न ये बिस्तर सजाने की। किसी के लिए अब जो भी है वो मैं कुछ कर सकता हूँ। Really, I can do it. Very good. अरे यही मैं देखना चाहता था। Okay then. क्या confidence? वाह वाह। Okay then. क्या confidence? चलिए वाह। क्या confidence? तुझसे प्यार करने लगा हूं। I've fallen in love with you. जानती गोरी, जंगल के सोनेपन से भी खतरनाक दिल का सोनापन होता है। मेरा सोनापन तूने दूर किया। आज मैं जो भी हूं गौरी, सिर्फ तेरी वजह से। पागल हैं दुनिया वाले जो कहते हैं कि प्यार दोबारा नहीं होता। संजोग से